हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों ये हमारा पार्ट टू है, पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो पार्ट वन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार उसको भी देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन विच एसिड्स, यानी कि दोस्तों जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है यानी सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें कौन से टाइप का एसिड कंटेन होता है, बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड। एक्चुअली में होता क्या है कि हम सभी जानते हैं जो हमारी दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें CO2 होता है। तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो CO2 है ये वॉटर के साथ कंबाइंड होता है और कंबाइंड होकर एक एसिड बनाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3। इसलिए कह सकते हैं दोस्तों कि ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है इनमें कौन से टाइप का एसिड पाया जाता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, दोस्तों ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आज हम पढ़ते हैं ये किसके द्वारा दिया गया था, बताइए दोस्तों। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय डिमिट्री मेंडलीव, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोस्तों टोटल 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दोस्तों आपको बताना है कि ऑक्सैलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्चुअली में दोस्तों हमारा जो ऑक्सैलिक एसिड है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? COOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसमें कार्बन कितने होते हैं दोस्तों? दो कार्बन है। कितने कार्बन है? दो, ठीक है ना, क्योंकि होल ट्वाइस आ रहा है यहाँ पे। तो कितने कार्बन हुए? दो कार्बन हुए। ऑक्सीजन कितने हैं? चार, और हाइड्रोजन दो। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में टोटल 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 2, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, विच एलिमेंट इज यूज इन सोलर सेल्स, दोस्तों इनमें से कौन से एलिमेंट का यूज सोलर सेल में किया जाता है। सोलर सेल दोस्तों एक डिवाइस है जो लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे डिवाइस जो लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कहलाते हैं सोलर सेल्स। तो इनमें कौन से टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट होता है, बताइए दोस्तों, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिलिकन का, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सोलर सेल्स में कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है? सिलिकन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप विच हैज मोर देन वन ऑक्सीजन एटम, दोस्तों इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक से ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका केमिकल सिंबल होता है COOH, यानी दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। बाकी है अल्कोहल जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, एल्डिहाइड में भी एक होता है और कीटोन में भी एक होता है, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, दोस्तों इथेनॉल का जब कन्वर्जन इथेनोइक एसिड में होता है तो ये कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है। दोस्तों इथेनॉल होता है C2H5OH, क्या? C2H5OH, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये C2H5OH हमारे किसमें इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH में जाके जुड़ता है, तो बताइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे इथेनॉल में एक ऑक्सीजन है और ये जो इथेनोइक एसिड है CH3COOH इसमें दो ऑक्सीजन आ गया है, यानी इसमें एक ऑक्सीजन का एटम आगे जुड़ गया है, यानी ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों C2H5OH, यानी ये इथेनॉल है दोस्तों जिसमें एक ऑक्सीजन है, अब ये कन्वर्ट हुआ CH3COOH में यानी इथेनोइक एसिड में, तो जिसमें देख सकते हैं दोस्तों एक ऑक्सीजन एटम आके जुड़ गया, यहां पहले एक था अब यहां दो हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोस्तों इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों कहे तो यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, वो कहलाते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कौन सा एलिमेंट है दोस्तों जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है, बताइए दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है फ्लोरीन, क्या? फ्लोरीन, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो फ्लोरीन एलिमेंट जो है दोस्तों पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताइए दोस्तों जो POP है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस
इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी CaSO4.5H2O। दोस्तों ये बनता कैसे है, हमारा एक सोल्ट होता है जिसका नाम है जिप्सम, इसका केमिकल रिएक्शन भी काफी इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। एक सोल्ट होता है जिसका नाम है जिप्सम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, इसे जिप्सम कहते हैं। तो दोस्तों जब इसको हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट, ठीक है ना, तो इसमें से क्या होता है दोस्तों 1/2 यानी कि डेढ़ वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है ना, और जो बचता है दोस्तों वो CaSO4.5H2O होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स, दोस्तों इनमें से कौन सा नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। एसिड बेस इंडिकेटर दोस्तों ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद के कलर को चेंज कर लेते हैं पीएच चेंज होने पे, ऐसे सब्सटेंस जो खुद के कलर को चेंज कर ले पीएच चेंज होने पे, वो होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, और इनका यूज हम एसिड एंड बेस को डिस्टिंग्विश करने में करते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज आर्टिफिशियल है, फिनोफ्थिलीन भी आर्टिफिशियल है, तो बच्चा कौन सा दोस्तों, सी यानी कि लिटमस, लिटमस डाई दोस्तों ये एक टाइप का नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है ना, ये पर्पल कलर का होता है और इसको नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है दोस्तों, किससे, इसको भी याद रखेंगे, लाइकन से, किससे, लाइकन से इसको नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दोस्तों लिटमस डाई है इसको नेचुरली कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज लाइकन। नाउ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th, प्लम पुडिंग मॉडल वाज गिवन बाय, दोस्तों जो प्लम पुडिंग मॉडल है, ठीक है ना, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, जो कि एक टाइप का एटॉमिक मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया था बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जे.जे. थॉमसन के द्वारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, द फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन, दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड का यूज इनमें से किस में किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों इसको हम मिथेनल भी कहते हैं और ये एक टाइप का एल्डिहाइड होता है और इसकी जो स्मेल होती है दोस्तों वो काफी प्लेजरेबल होती है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज दोस्तों परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारा कुछ केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।